हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो रिपेयर 74। फ्रेंड्स, आज मैं एक डस्टर का फॉल्ट कोड बताऊंगा जो दूसरी गैरेज से एक मैकेनिक भाई ने मेरे पास लेके आया गाड़ी, ठीक है ना। उसमें फॉल्ट क्या था, वो क्या काम किया था, क्या काम किया, तो आप देख सकते हैं। ये उसका कौन सा स्कैनर है पता नहीं, मेरे को ये व्हाट्सएप में भेजा था, तो देख सकते हैं। मैं गूगल वेब में मेरा व्हाट्सएप खोल के इधर फ़ोटो लगाया, क्यों बोले तो मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखने के लिए नहीं होता इसके लिए। आप इधर देख सकते हैं, DF120 इंजन स्पीड सेंसर सिग्नल, DF025 प्री हीटिंग यूनिट डायग्नोस्टिक कनेक्शन, ठीक है ना। ये गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी, गाड़ी लेट स्टार्टिंग थी और 4-5 किलोमीटर चलने के बाद इसका RPM बिल्कुल डाउन होता था, फिर गाड़ी ऑफ करना था, फिर गाड़ी स्टार्ट करना था, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम के लिए वो हमारे के सतीश रेड्डी बोल के हैं मैकेनिक, इधर से मेरी गैरेज से 30-40 किलोमीटर पे हैं, तो इतनी दूर हैं, इसलिए वो काम किए, काम करके सक्सेस नहीं हुए उनको। देखो इसमें जो स्कैनर है यही दिखा रहा था, इंजन स्पीड सेंसर सिग्नल, वो वायरिंग भी चेक किए, सेंसर नया डाल दिए, क्रैंक सेंसर और इंजेक्टर भी सर्विस करा दिए, कम से कम 10,000-12,000 रुपये वो काम करा दिए। जब भी इनका काम सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे को फ़ोन किए, फ़ोन कर भाई ये कोड है थोड़ा देख कर बताना, ठीक है। मैंने देख कर बताया, भाई ये इंजन स्पीड सेंसर सिग्नल है, इसका सेंसर चेक करो यार, तो इसकी वायरिंग चेक करो। सर सब कुछ कर दिया मैं, कुछ नहीं हो रहा है, RPM डाउन हो रहा है, गाड़ी लेट स्टार्ट हो रही है, बहुत परेशान हूँ। मैं बोला परेशान होने की कोई बात नहीं, तुम गाड़ी लेके आओ गैरेज पे, मैं स्कैन डाल के देखेंगे क्या फॉल्ट है, चेक करेंगे बोल के मैंने गाड़ी मंगा के मैंने मेरे लॉन्च से स्कैन किया। देख सकते हैं कल का डेट है ये 4/1/2022 11:51 को मैंने स्कैन किया तो इसमें फॉल्ट कोड क्या आया है एक्टिव में, ये देख सकते हैं, DF120 इंजन स्पीड सेंसर सर्क्यूट नंबर ऑफ टीथ इनकरेक्ट एक्टिव में है, ठीक है ना। अब एक बता दूं आप लोगों को, इंजन स्पीड सेंसर नहीं है, DF025 प्री हीटिंग यूनिट डायग्नोस्टिक कनेक्शन फॉल्ट अलर्टेड वीआर द कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। इसमें जो है सही बता रहा, ये मेरा लॉन्च का ओरिजिनल वर्जन है, ठीक है ना। मैं वही बोलता हूँ, मैं अपने इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस को, मैकेनिक्स को, भाई जो भी आपको स्कैनर ख़रीदना है एक बार स्कैनर ख़रीदते हैं, ओरिजिनल ख़रीद लो, ठीक है ना। ओरिजिनल नहीं ख़रीदने से ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। अब मैं ये भी समझाऊँगा ओरिजिनल में और इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका काम कैसा सक्सेस किया मैं, ठीक है। RPM भी सही हो गया और स्टार्टिंग भी एक सेल्फ में स्टार्ट होती थी गाड़ी, ऐसा कर दिया मैंने। मैं क्या किया वो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आप बीच में वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है, आप पूरा वीडियो देखिए समझिए। इसलिए बोलता हूँ मैं ओरिजिनल वर्जन लो, लोग ये क्या बोलते हैं क्रैक वर्जन मत लो, मैं यही सजेस्ट करता हूँ। क्रैक वर्जन ले लेते हैं मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन भाई, उनको कोड तो यही दिखाएगा बट डिस्क्रिप्शन जो है सही नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। इस पे ये परेशान रहते हैं, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ हमारे मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन भाई को, भाई जो भी स्कैनर लेना है आप X-Tool लो या लॉन्च लो या थिंकर मास्टर लो, कुछ भी लो, जेन्युइन सेलर से लो। मतलब बहुत सेलर्स हैं, ट्रस्टेड सेलर्स हैं, जैसे हमारे ऑटोलॉजी इंडिया दिल्ली ब्रांच मिस्टर समी शेख हैं, उनसे ले सकते हैं, उनका बैंगलोर में भी ब्रांच है, कोलकाता में भी ब्रांच है, ठीक है ना। ये सब ट्रस्टेड सेलर हैं तो आपको ओरिजिनल वर्जन देंगे। ऐसे अभी बहुत बंदे हैं, मैं उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं इस ऑटोलॉजी इंडिया को बहुत सालों से देख रहा हूँ, ये ट्रस्टेड कंपनी है, लाइक ब्रांड कंपनी है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा इन लोगों से आप लो, ठीक है ना। और अभी मैं मेन मुद्दे पे आऊँगा, मैं अभी मैं
इसको सॉल्व प्रॉब्लम किया, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया अभी देखिए। ये तो हो गया ना, मैं क्या किया, इस कोड को मैं कुछ नहीं किया, गाड़ी में से सीधा सीधा ईसीएम निकाला, ठीक है, बीसीएम निकाला, चाबी निकाला, मेरे पास जो था वो लगा दिया। आपको मैं दिखाऊंगा, ये चाबी है, ये बीसीएम है और ये ईसीएम है। ये मैं गाड़ी से वापस निकाला हुआ हूँ, ठीक है ना, मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। कल ये देखिए सतीश रेड्डी बोल के मैकेनिक है, उसका नाम भी लिखा हुआ है। ये मैंने क्या किया, ईसीएम बीसीएम चाबी इसका ब्लेड निकाल के उसमें डाल के गाड़ी चालू कर दी, एक सेल्फ में गाड़ी चालू हो गई, ठीक है ना, और मिसिंग का प्रॉब्लम चला गया। आपको मैं फाइनल स्कैनिंग भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये तो फर्स्ट स्कैनिंग लिया था मैं, ये सेकेंड स्कैनिंग लिया था 1156 को, फिर सेम कोड्स आए थे, ठीक है ना, सेम कोड्स आए थे, कोड्स नहीं गए, तो मैंने डिसाइड किया गियरबॉक्स खुलाने से पहले मैं ईसीएम डाल के चेक कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद फिर ईसीएम डालने के बाद मैं इसको किया स्कैन, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये टाइम डेट और टाइम देखिए, 4:20 PM को मैंने ईसीएम चेंज करके गाड़ी स्टार्ट किया, स्टार्ट करके स्कैन किया तो फॉल्ट वॉल्ट सब चला गया, एकदम स्टार्टिंग परफेक्ट हो गई और कुछ अंदर लाइट्स नहीं आ रहे थे। मतलब क्या है, जब आरपीएम डाउन होता था तो ग्लो प्लेक का साइन आता था डैशबोर्ड में, क्लस्टर मीटर में, और उसके ऊपर जो स्क्वायर जैसा एक लाइट आता है ना, वो सेकेंडरी माल फंक्शन बोलते हैं हम लोग, वो लाइट आ रहा था। उसका तो मैं वीडियो बना नहीं सका, मैं कल बहुत बिजी था, तो मैं आज एक छोटा वीडियो बना के डाल दूंगा, सिर्फ इस कोड के ऊपर बोल के मैंने बना रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आरपीएम डाउन होते हैं, ग्लो प्लग का साइन और ऊपर जो स्क्वायर कलर का जो माल फंक्शन सेकेंडरी माल फंक्शन है ना, वो आ जाता था, ठीक है ना, वो भी चला गया और स्टार्टिंग भी अच्छी हो गई। मैंने इनको बोला गाड़ी लेके जाओ, चला के लेके आओ, फिर देखता हूँ मैं। फिर गाड़ी लेके गए, चला के वापस कब आई है, 7:39 को आए, समझो 7:30 को आए। मैंने फिर से स्कैन किया तो आप देख सकते हैं, ये तो स्पीकर्स के हैं, फ्रंट डोर के, लेफ्ट फ्रंट राइट के स्पीकर्स के, रेडियो के हैं, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई सबसे, लेना तो आप ओरिजिनल स्कैनर लो, पैसे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम सही करना बोले तो आप करना ही पड़ेगा। देखो अब मैं पूरा सेट डाल दिया, सेट डाल के उसका जो गाड़ी का सेट था ये मैं निकाल के रख लाऊँ, एक्सचेंज पे डाल के दे दिया मैं, ठीक है ना, काम पक्का हो गया। वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये फॉल्ट कोड को बहुत हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई और मैकेनिक भाई परेशान रहते हैं। ये देखिए DF120, कभी भी ये आपको एक्टिव में आ गया, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है या पिकअप ड्रॉप है, तो ये जब ये आ गया तो सर्क्यूट नंबर ऑफ टीथ इनकरेक्ट, आपको सीधा सीधा ईसीएम चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने ईसीएम चेंज करा, मेरा काम सक्सेस हो गया, गाड़ी भी कल डिलीवरी दे दिया मैंने, वो भी बंदा खुश होकर लेके चला गया, ठीक है ना। और मैं आपको आप लोगों को बता दिया हूँ, देखो क्रैक वर्जन में और ओरिजिनल वर्जन में यही काम करने का मज़ा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इतना तो मैं समझाने की कोशिश किया, ठीक है ना, आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज हुई या आपको इस वीडियो देखकर समझने से कुछ आपको फ़ायदा हुआ तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।